मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैं देश के लिहाज से ठीक हूँ। अगर आपको ठीक लग रहा है तो जरा सोचिएगा। नमस्कार, पॉलिटिकली इनकरेक्ट में आप सभी का स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आता हूँ, आखिर कब तक आप लोग एक ही फिल्म को बार बार देखते रहेंगे? जी नहीं, मैं सेट मैक्स पर दिखाई जा रही सूर्यवंशम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश में घट रही एक फिल्म की, जिसे आप और हम बार बार देखने के लिए मजबूर हैं और हम बार बार उसे देख रहे हैं। जी हाँ, हमारे देश के इतिहास को बना रही, बिगाड़ रही उस फिल्म की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे देश के लिए, हमारे जनमानस के लिए, हमारे गौरव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर में आतंकवाद की। कश्मीर में आतंकवाद की घटना होती है, उसके बाद में एक रटा रटाया स्क्रीन प्ले चलता है, उस घटना की कड़ी निंदा होती है, उसकी भर्त्सना होती है, और उसके बाद वही ढाक के तीन बात। कभी विपक्ष एक हो जाता है, सरकार के साथ खड़ा होता है, जैसे इस बार हुआ, पहले भी हुआ था, लेकिन उसके बाद वक्त गुजरता है, कुछ दिन बाद फिर से कश्मीर धधकता है, फिर से कश्मीर दहकता है। 70 के दशक में भी कुछ इसी तरीके से लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूले पर फिल्में बना करती थी। दर्शक को सिनेमा हॉल में जाने से पहले पता होता था कि फिल्म के शुरू के दृश्यों में किसी मेले में या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से दो भाई या परिवार बिछड़ जाएंगे, और उसके बाद फिल्म का अंत होते होते किसी निशानी को देखकर वो फिर एक हो जाएंगे। कश्मीर के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन क्या कश्मीर एक फिल्म है? मत भूलिए, कश्मीर एक हकीकत है, एक ऐसी कड़वी हकीकत जहां हमारे देश के सेना के जवानों की अमूल्य जानें नौछावर हो जाती हैं, उस सेना की जहां हमारी सरकारें अच्छा खासा पैसा निवेश करती हैं। आखिर किसी फिल्म और हकीकत के बीच कोई फर्क होना चाहिए या नहीं? किसी रटी रटाई स्क्रिप्ट पर बनी फिल्म को देखना और कश्मीर में घटनाओं को घटित होते देखना एक समान होना चाहिए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपनी सरकारों से मांग कीजिए कि इस बार कुछ अलग हो, पहले से अलग हो, जिससे भारत की वो तस्वीर नजर आए जो 2014 में पूरे भारत के जनमानस ने अपने मन में बनाई थी, कि अब वो भारत सामने आएगा जिसे पूरा विश्व सलाम करेगा, जिसके जज्बे को पूरा विश्व मानेगा। मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो सकता हूं, मैं राजनीतिक रूप से गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं देश के लिहाज से ठीक हूं। अगर आपको ठीक लग रहा है तो जरा सोचिएगा, और अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि अगला वीडियो जब भी रिलीज हो आपको सही वक्त पर सूचना मिल जाए, और हां, इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद। मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो सकता हूं, लेकिन मैं देश के लिहाज से ठीक हूं। अगर आपको ठीक लग रहा है तो जरा सोचिएगा।